Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will do part 6 of your chapter number 6, the triangle and its properties. जिसमें आज हम इसकी exercise 6.3 start करेंगे and उसका first question इस video में cover up करेंगे. तो जल्दी से start करते हैं. Open your books with first question of exercise 6.3 and also make sure to subscribe the channel. तो देखो, फर्स्ट टू एक्सरसाइज में हमने यार ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं. ठीक है, तो आज भी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्राइंगल की, दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर मतलब जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड हम सबको पता है ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3, 1, 2 एंड 3. सो प्रॉपर्टी क्या है कि इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री. सो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल मतलब 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें कौन कौन से एंगल है हमारे पास, ए, एंगल बी एंड एंगल सी. सो इट मीन्स हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि इन तीनों का जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड ब्रैकेट में आप रीजन लिखोगे जो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ए की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स, जो हमें फाइंड करना है, बी की वैल्यू है 50 डिग्री, सी की वैल्यू है 60 डिग्री. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. नाउ 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 डिग्री. अब 110 यहाँ हमारे पास नेगेटिव का है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा. सो ये नेगेटिव का बन जाएगा, इधर पॉजिटिव का है. 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई इसमें हमारे पास, 70 डिग्री. सो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 70 डिग्री. वेरी इजी. अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे. ये भी सेम है बच्चे, देखो ट्राइंगल है, कितने एंगल है, 1, 2, 1, 3. कौन कौन से एंगल, पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर. और इन तीनों का सम मतलब जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में आप सेम रीजन लिखोगे, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, समझ आया. अब देखो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. अब देखो यहाँ पे हमें साइन दिया हुआ है, और इस साइन का मतलब क्या होता है, ये कितने डिग्री का है, 90. सो पी 90 डिग्री प्लस क्यू की वैल्यू है 30 डिग्री गिवन है, एंड आर है एक्स जो हमें फाइंड करना है. सो फाइंड करते हैं, 90 प्लस 30 इट इज इक्वल टू अगेन 110 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा मतलब ट्रांसपोज करना पड़ेगा. सो 120 इधर पॉजिटिव है, राइट साइड पे ये क्या हो जाएगा, माइनस. तो सिंपली एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्री. सो हम यहाँ क्या लिख देंगे, दैट अवर एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री. समझ आया. सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया, अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3. अगेन ट्राइंगल है, तीन एंगल्स हैं हमारे पास. कौन कौन से हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड. इसको कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि वहां पे हमें जो फिगर है उसमें कैपिटल ही दिया हुआ है. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, इसको हम कैपिटल लेंगे क्योंकि जो ये एक्स है ये यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है. सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, वाई हमें दे रखा है 110 डिग्री, एंड जो जेड है दैट इज एक्स जो हमें फाइंड करना है. सो इसको ऐड करते हैं, दिस विल इक्वल टू 140 डिग्री. अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 140 को क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोज मेथड लगाना पड़ेगा. सो ये इधर पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस. सो सिंपली जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, 40 डिग्री. सो मतलब जो थर्ड पार्ट है उसमें एक्स की वैल्यू आएगी 40 डिग्री. ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हम सेम ही प्रॉपर्टी लगाएंगे. पहले हम ऊपर लिख लेते हैं उस सेम प्रॉपर्टी को, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है, अंदर वाले, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास तीन एंगल है, हमें इसके नेम नहीं दिए हुए, तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम दैट एक्स
प्लस एक्स प्लस 50, ओके, क्योंकि इसमें हमें ट्राइंगल का नेम नहीं दिया हुआ, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने एंगल की वैल्यू डायरेक्ट लिख ली। आप देखो ये एक्स एंड एक्स दोनों सेम है, सो ये प्लस हो जाएंगे, और हम सबको पता है इसके साथ क्या होता है, इमेजिनरी 1, सो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 2x, तो मतलब 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 50 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसको माइनस करते हैं, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखो हमें अकेला x चाहिए, क्योंकि हमें अकेले x की वैल्यू चाहिए, 2x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, सो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये 130 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 65 डिग्री। सो सिंपली हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो दोनों एक्स हैं इनकी वैल्यू क्या है, 65 डिग्री, ये भी 65 का है एंड ये भी 65, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक्स हैं। समझ आया, सेम ही क्वेश्चन था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। अगेन हमें देखो सारे सेम ही दे रखे हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और तीनों का सम क्या होगा, 180, वाई, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सो इसके साथ हम देख लेंगे कि तीनों के साथ 1 है, सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सो 3x के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, सो 180 को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, ओके, 3 के साथ, ठीक है, सो जिससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। इट मीन्स ये तीनों ही एंगल इक्वल हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल इक्वल हैं, दैट इज 60, 60 एंड 60 डिग्री। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में देखो एक है हमारे पास 2x प्लस, एक है x प्लस, लास्ट है हमारे पास ये साइन बना हुआ, विच मीन्स दिस इज 90 डिग्री, एंड तीनों का सम क्या है, 180, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों x वाले हैं, इसके साथ क्या है, 1, सो 2 + 1 ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, इधर पॉजिटिव है एंड राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके आ गया 90 डिग्री। अब 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, सो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इट विल गेट डिवाइड, एंड डिवाइड करने के बाद जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 30 डिग्री, ठीक है, 3 × 3 = 9 एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो x की वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री, बट ये कैसे निकालेंगे, दिस इज 2x, x तो 30 है, सो 2x कैसे आएगा, 2 × x की वैल्यू क्या आई है, 30, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। समझ आया, सो दोनों एंगल निकल गए, वन इज 30 एंड द अदर वन इज 60 डिग्री। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू सून इन दैट वीडियो, विल एंड टेक केयर एंड बाय।